बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस में सलमान खान आते हैं शनिवार को, यानी कि मैं कल की खबर सुना रहा हूं दोस्तों। सो यहां पर आप जो देख रहे हैं खबरें वो कल की खबरें हैं, यानी कि जो होने वाला है। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि सलमान खान जासमीन पर भड़कते और कहते हैं कि क्यों करती हो तुम ऐसी एक्टिंग। जी हाँ, क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, खमागिनी केम छोके रोहाल, कैसा काम है, हूँ करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो दोस्तों आपको याद होगा वो सिलसिला जहां पर राहुल वैद्य ने कुछ कह दिया था, उसके बाद जासमीन भसीन भड़क गई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा रोने धोने लगी थी, यूं 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 करने लगी थी और कहा था कि तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरती हूँ। ऐसे में वो राहुल वैद्य को कहते हैं कि जो तुमने कहा वो सही था। जहां पर पहले मैंने आपको बताया कि वो राहुल वैद्य पर नाराज होते हैं नेपोटिज्म के मुद्दे पर, यहां पर वो उसे सही साबित करते हैं और जासमीन को गलत। तो आप देखें सलमान खान जो है वो एकदम फेयर डिसीजन ले रहे हैं, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। अब वो कहते हैं कि राहुल वैद्य ने जब तुम्हें कहा था तो तुम राहुल वैद्य से भड़क कर जो राहुल वैद्य को ताने मार रही थी, जो चिल्ला रही थी साथ देते हुए राहुल वैद्य का, सलमान खान ने कहा कि तुम गलत थी जासमीन भसीन। ऐसे में राहुल वैद्य यूं तालियां बजाते हैं। जी हाँ, यूं तालियां बजाते हैं और कहते हैं थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू सो मच सलमान भाई। ऐसा कहकर वो धन्यवाद कहते हैं सलमान को और सलमान जो है वो गुस्सा करते हैं जासमीन को। पर जासमीन कहती है कि उस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान थी और उस वक्त जो राहुल ने किया वो मुझे मेरे दिल को ठेस पहुंची। लेकिन सलमान कहते हैं कि जो तुमने किया उससे पूरे जो भारतवासी है उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट तुमने पहुंचाया है राहुल वैद्य को गलत साबित करके। तो देखिए कितने अच्छी तरह से सलमान खान ने सभी को अपनी गलती दिखाई और ये होने वाला है कल रात शनिवार, वीकेंड का वार, बिग बॉस सलमान खान के साथ। देखते रहें बॉलीवुड की खबरें हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। मैं हूं एंकर करण रजानी, सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि हम आपको दे रहे हैं आने वाली खबरें। टेक केयर, मुस्कुराएं और स्वच्छ भारत अभियान का ध्यान रखें। गुड बाय।